नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में अब देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड ब्लड है चिल्ड्रन में वो क्या क्या हो सकते हैं अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, बी है और ए बी है तो। ठीक है, अगर फादर्स का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है चिल्ड्रन में? ओ ही हो सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ओ के अंदर जो दोनों हमारे अलील्स होते हैं वो कैसे हैं? ओ है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या फिर ए होगा। ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो पॉसिबिलिटी दो है, या तो ऑफस्प्रिंग का ओ ब्लड ग्रुप होगा या फिर बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। कैसे? देखिए, ठीक है, ये हमारे फादर का ब्लड ग्रुप है ए हो, मदर का ब्लड ग्रुप ए हो, तो ये ए और ये ए मिले तो ब्लड ग्रुप बन गया ए, और जब ये ओ और ये ओ कंबाइन हुए तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप है ए, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? जब ये ओ हमारा अलील इस ओ के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो गया ओ। ठीक है, जब ये ए हमारा ये ओ के साथ कंबाइन होगा तो ए जो है वो डोमिनेंट है हमारा, ठीक है, ओ के ऊपर, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आप एक बार समझिए, ए जो है वो किस पे डोमिनेंट है? अगर ए और ओ जो ब्लड ग्रुप है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए और ओ दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा उसका। ए ब्लड ग्रुप वाले में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसमें दोनों अलील्स जो हैं वो ए भी हो सकते हैं और ए ओ भी हो सकते हैं। ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप वाले में ओ के ऊपर ए क्या है? हमारा डोमिनेंट है। बी ब्लड ग्रुप वाले में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके ब्लड ग्रुप में बी और ओ, बी ब्लड ग्रुप वाले के अलील जो है बी ओ हो सकते हैं, और दोनों ब्लड ग्रुप जो हैं वो बी बी भी हो सकते हैं, दोनों अलील जो हैं बी ब्लड ग्रुप वाले के। ठीक है, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसके अंदर तो सिंगल ही पॉसिबिलिटी है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उसके अंदर भी सिंगल ही पॉसिबिलिटी है ए बी ब्लड ग्रुप वाले में, क्योंकि ए बी जो है हमारा कोडोमिनेंट का एग्जांपल है, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन्स अपने आपको एक साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो जिसका हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दो, ये वाला ओ अलील और ये वाले ओ अलील के साथ मिलेगा तो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ये वाला ए इस ओ अलील के साथ मिलेगा तो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि हमें बताया कि जो है ओ के ऊपर ए जो है वो क्या है? डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होता है उसके कैरेक्टर ही ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो ओ में तो कोई एंटीजन है नहीं, सिंगल एंटीजन ए में, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, अगर ये बी अलील जो है इस ओ के साथ मिलेगा तो बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप, और ये ए जो है बी के साथ मिलेगा तो ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये ए जो है इस ए के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर ये ए जो है बी के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बी जो है इस ओ के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरीके से ये बी जो है वो इस बी के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर ये बी जो है इस ओ के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर ये ओ इस ओ के साथ अलील के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये बी ब्लड ग्रुप, जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके अंदर क्या होगा? अगर ये बी जो है इस ए के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑफस्प्रिंग का ए बी हो जाएगा। अगर ये बी जो है हमारा इस बी के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये ओ जो है अगर इस ए के साथ कंबाइन होगा तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ऑफस्प्रिंग के क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं?
ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, क्यों जब ए के साथ इस ए के साथ ए एंटीजन कंबाइन होगा तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जब इस बी के साथ बी कंबाइन होगा तो ऑफ स्प्रिंग का बी एंड बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और इस ए बी के मतलब यहाँ पर यहाँ से ए और यहाँ से बी होगा जाएगा अलील, तो एंटीजन ऑफ स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस तरीके से पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से हम ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या ऑफ स्प्रिंग के क्या क्या ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं और उनके ऑफ स्प्रिंग जो है, ठीक है, उनमें ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो है आर एच फैक्टर टॉपिक। आर एच फैक्टर टॉपिक में जिनमें देखा इसकी डिस्कवरी जो है हमने लैंडस्टीनर और विनिंग ने की थी, ठीक है, 1940 के अंदर। और जो आर एच फैक्टर है जिनमें प्रेजेंट होता है वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, जो कि 93% पॉपुलेशन में देखा जाता है, और 7% में आर एच फैक्टर नहीं मिलता है उन्हें क्या कहते हैं, आर एच नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अब जो आर एच पॉजिटिव है उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आर एच नेगेटिव मदर होती है, आर एच नेगेटिव मदर है, ठीक है, उसके यूट्रस में वॉम्ब के अंदर जो चाइल्ड है, इन्फेंट्स है, एम्ब्रियो है, अगर उसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका ब्लड मदर और एम्ब्रियो का ब्लड अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो मदर के ब्लड के अंदर क्या फॉर्म हो जाती है, मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज, आर एच फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगर ये आरएच एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू पास हो जाती हैं, ठीक है, और फीटस तक पहुंच जाती है तो क्या होगा, ये फीटस की आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो होने वाला चाइल्ड है उसमें एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, और ठीक है ये सीवियर केस हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि RBCs जो हैं हमारी, ये RBCs डिस्ट्रॉय कर जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस डिजीज़ कहा जाता है इसे, इस टर्म को। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर जब चाइल्ड हो जाता है उसके बाद उसका पूरा ब्लड जो है वो क्या कहते हैं, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर जब डिलीवरी होती है उसके 72 आवर्स पहले इंजेक्शन लगाया जा सकता है, लगाया जाता है, जिससे कि नॉर्मल फंक्शंस हो जाए सब, है ना, ठीक है। तो ये तो हमारी आर एच फैक्टर की बात हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जो है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, जो कि नॉर्मली क्या है, इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, ठीक है, टिश्यूज़ डैमेज हुए, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, ब्लड वेसल्स जैसे ही डैमेज हुई, ब्लीडिंग होती है, तो हमारे जो है क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ऊज आउट होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही ऊज आउट होता है, ठीक है, टिश्यूज़ के डैमेज पर और प्लेटलेट्स के ब्रेकिंग पर हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन ऊज आउट हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो ब्लड में फैक्टर 7, ठीक है, एंड फैक्टर 10 प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और उनके एक्टिव होने की वजह से वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप हो गया ब्लड क्लॉटिंग में, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग। फर्स्ट तो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकेंड हमारा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड है हमारा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन। तो हमारा ये एक फॉर्मेशन हो गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। कैसे हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया और फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया, जिसने कैल्शियम की प्रेजेंस में हमारे क्या फॉर्म कर लिया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म कर लिया, ठीक है। अभी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है हमारे ब्लड में, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है इनएक्टिव स्टेज में, उसके साथ कैल्शियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेता है, थ्रोम्बिन फॉर्म कर लेता है। थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेज है, ठीक है। इसके बाद ये थ्रोम्बिन जो हमारा एक्टिव स्टेज में आया है वो हमारे फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उसे क्या कर देता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिनोजन जो है सॉल्युबल स्टेज है, इसको क्या है, इनसॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन क्या है, क्लॉट्स हैं। फाइब्रिन कैल्शियम के प्रेजेंस में फिर क्लॉट फॉर्म कर लेते हैं, और एक क्लॉट क्या है, फाइब्रिन फाइबर्स हैं,
ठीक है, और हमारी ब्लड कॉर्पोसल्स हैं। तो इस तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन होती है जो कि हमारी प्लेटलेट्स फॉर्म करती है।